हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी क्या बोलूँ, दोपहर के 1 बजे हैं और मैं आज थोड़ा ना बहुत ही बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग टाइप लग रही हूँ कि आज मैंने हेयर में लगाया तेल और उसके बाद एक बन बना के रख दिया पीछे, तो ये वैसे ज़्यादा ही लग रहा है। ऊपर से ईयरिंग भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। एक्चुअल में ना वो चुभता है मुझे, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। वो चेंज करवाना है उसको, एक पिंपल हुआ है साबुन लगा लगा के, क्योंकि फेस वॉश ख़त्म हो गया है और हस्बैंड को बोलूँगी याद ही नहीं रहता। तो मेरा ब्रेकफास्ट है ये एग और प्याज है और रोटी है, तो मतलब एग रोल है, टूटा फूटा एग रोल। एंड यहाँ पे है थोड़ा सा रियल बचा है, थोड़ा सा यहाँ तक बचा है शायद, वो अभी मेरा लंच होगा। तो अभी जो कि शाम के बजे हैं 5 और थोड़ी देर के बाद जो कि हस्बैंड आ जाएंगे और मैं ये रात का डिनर प्रिपेयर करके रख रही हूँ 5 बजे, क्योंकि इस रूम में बहुत गर्मी होती है गाइस, बहुत। और शाम हो जाती है ना तो उसके बाद मेरे को और मन नहीं होता है कि मैं मतलब खाना बनाऊँ करके, ऊपर से यार बहुत गर्मी होती है, मूड ही नहीं होता। इस वजह से मैंने कल सोचा कि मैं कल ही जो कि शाम को सब कुछ करके रखूँगी और सब्जी वब्जी बना के रखूँगी मैं, तो यही मैंने सोचा। और काफ़ी टाइम भी बच जाता है रात को, थोड़ा मूवी वूवी भी देख लेना हो जाता है, थोड़ा लाइव आना, मतलब फ्री हो जाती हूँ रात को। मुझे रात को हमेशा फ्री बैठना अच्छा लगता है, शाम को काम करके पूरा काम धाम निपटा के उसके बाद रात को फ्री बैठो, वही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैं अभी कर लूँगी सारा काम, ख़राब तो ऐसा तो होगा नहीं और ना ही बासी हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि 5 बजे और कहाँ 7 बजे तो हम खाना खाते हैं, मतलब 7-8 बजे, तो मेरा एक नया रूटीन हो जाएगा कि 5 बजे मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा और 7 बजे मतलब खाना भी हो जाएगा हमारा, डिनर मतलब बनाना और खाना 7-8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, रात का पचड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रात में यार बहुत गुस्सा आता है कि थोड़ा खाली बैठ नहीं पाती हूँ और ना रात को बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उस रूम में। यहाँ जो कि मैंने लौकी को काट के मतलब धो के पहले एक बार धोया, उसके बाद फिर से ये धोया। और यहाँ जो कि तेल मेरा ख़त्म हो चुका है छोटे वाले डब्बे का, बट अभी मुझे इसमें बड़ा वाला जो है ना उसमें डालना है, क्योंकि जो बड़ा होता है ना एक साथ नहीं डालते हैं, किसी चीज़ में थोड़ा सा निकाल के फिर मतलब पकाया जाता है। एक जैसे कि 1 लीटर की 2.5 लीटर का कोई भी बोतल लाते हैं तो उसको उसके एक साथ नहीं पकाना चाहिए, हमेशा मेज़रमेंट के तौर तरीके से पकाना चाहिए। तो मैं हमेशा मेज़र करती हूँ इन सब चीज़ों में और हर चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा ख़त्म हो रहा है, क्या है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो इन सब चीज़ों का बहुत कोशिश करती हूँ, बट मुझसे होता नहीं है। ठीक है, फिर भी करती हूँ, सीखना तो पड़ेगा ही ना। अब पहले की बात अलग है और अब की बात अलग है, अब थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी फ्यूचर में हम भी अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे फिर, तो इस वजह से सीखना पड़ता है हर चीज़ मेज़रमेंट। और यहाँ जो कि मैं भी आटा गूंद लूँगी और आटे को भी मैं गूंद के रखूँगी और हो सके तो 6-7 रोटी भी बना के रख दूँगी, क्योंकि हॉट पॉट में रहेगा ना तो वो ठंडा नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं बना के रख देती हूँ, सही रहेगा। मैं मतलब हमेशा ना काम को ना एकदम निपटाना चाहती हूँ एकदम से। गाइस कैसे हो, तो अभी मैं ड्यूटी से आ चुका हूँ और बज गए हैं 5:30 और देखो हमारे घर पे कौन आई, मीनी आए आए आए।
ये एक्चुअली दूसरी मिनी है, वो जो आती है ना वो पता नहीं आजकल नहीं आ रही, ये पता नहीं मेल है फीमेल है पता नहीं, लेकिन बहुत क्यूट है। मिनी की अच्छे मिनी को लगी भूख, तो इधर हमारा डिनर रेडी हो रहा है शाम के 6 बजे। क्यों पता है? क्योंकि रात गर्मी होती है रात को बहुत, और टीवी चल रहा है। रात को मेरा पति बहुत परेशान करता है ना। मैं क्यों परेशान करता हूँ? नहीं, एक्चुअली रात हो जाती कुछ ज़्यादा ही। सब्जी बना के रखा, इसकी भात फ्राई करूँ और मैं इसकी भात खाई। हाँ नहीं, इसकी टीम और एक रोटी बनाए थी, खा गई मैं। और अभी जो कि सब्जी बन रहा है, मैं सोच रही हूँ 2-4 रोटी भी बना के रख दूँ, है ना? 2-4 रोटी भी बना के रख दूँ, गर्मी हो रही है। और बस एक ही सब्जी होगा रात को, अगर देखा जाए तो और एक सब्जी भी कर दूँगी, बट हल्के में पहले मैं करके रख दूँ। मैं पहले ये कोशिश कर रही हूँ कि जो हार्ड वाला काम है वो पहले करके रख दूँ, क्योंकि रात हो जाती है उसके बाद करने का मन नहीं होता है, उसके बाद उस रूम में बहुत गर्मी होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, बहुत सारी टेबल्स मेरे को करने का मन नहीं करता है कोई भी काम, किचन में खाना पकाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है।